तो दीदी ने 10 साल तक किसी को राखी नहीं बांधी। लग रहा है ये इसकी मेहंदी बर्बाद नहीं कर दी ना मैंने, नाम अनीता नहीं मेरे। नमस्ते जी, काफी दिनों बाद कुछ हो रहा है घर में, हो रहा है कोई 12 बजे कुछ बना रहा है। क्या बना रही हो? सब्जी। क्या है सब्जी? है नॉर्मल सब्जी, मिक्स वेज और खीर। और खीर। और आज हम शॉपिंग पे जाने वाले हैं, कब जाएंगे? नहीं जाएंगे हम आज। नहीं जाएंगे कुछ, समझ रहे हो? नहीं जाएंगे आज। और मम्मी क्या कर रही है? काम करवा रही हूँ। कन्हैया को नहा रही है। पीताम्बरी है। पीताम्बरी से मिलाओ ना लाओ। सो फाइनली आज आ रहे हैं दीदी, दीदी के बच्चे, रक्षाबंधन का शुभ अवसर, इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सब लोग आ रहे हैं और शायद फोन भी आ गया है, तो देखते हैं और मिलवाते हैं। आज है रक्षाबंधन, 9 बजे से स्टार्ट है, 30 की आज 30 की रात को मतलब स्टार्ट है और कल सुबह 7 बजे तक होगा। तो दोनों घर को मैनेज करना है, तो इसलिए रात को यहाँ बांध के उसके बाद मैं निकलूंगी रात को अपने घर, और सुबह 7 बजे से पहले मुझे अपने भाइयों को बांधना होगा राखी, और फिर कल ऑफिस भी जाना है। आज बड़े रहम करके सर ने हमसे बोला, मेरे से और रक्षिता से, छुट्टी रक्षाबंधन मनाना है तुम दोनों का? मैंने कहा हाँ सर, मेरी तो नंदे आएंगी। कह रहे अच्छा छुट्टी चाहिए तुमको? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चाहिए। कह रहे ठीक है ले लो, फिर आगे नहीं मिलेगी। मैंने कहा ठीक है दे दो, फिर छुट्टी दे रही उन्होंने। तो ये थी सारिका जी की छुट्टी की कहानी, और हम देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में। कर तो दिया एक बार ब्लॉग में, नहीं किया ना? नमस्ते। तैयार हो क्या ये आज लड़की पूरी तरह? हैं नहीं आई? लाइट नहीं पड़ रही तेरे पे? यहाँ पे हरीश जी भी आ चुके हैं। तबीयत खराब है क्या तेरी? हेलो गाइस, वेलकम बैक। नहीं इसकी भूख मर गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अरे भाई क्या क्या। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मीट क्या मीट कोई और आ गया। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू न्यू पीपल, गो टू देयर एंड मेक वीडियोस। तो लो गब्बी हो गया, गब्बी हो गया। ओ गब्बी, ओहो अरे हाय, देखते ले गब्बीड़ा आ गया। गब्बीड़ा आ जा अंदर, आ जा। ये गब्बीड़ा है क्या? कुर्ता पजामा पहन के आया है? ये भी पहन के आया है, गब्बीड़ा भी पहन के। ओ वॉच, क्या बात। पता नहीं ये देखो हरियाली की मूर्त, सावन यहीं से तो शुरू हुआ था। अच्छा और ये राखी कहाँ से लाई? लाइट वाली बजाल से? मेरे लिए नहीं लाए? आप मामू के लिए नहीं लाए ना? लाया था। कहाँ है? घर पर लेकर जाओ। झूठ बोल रहे हो ना? नहीं झूठ झूठ बोल रहा है ना कभी? मैं नहीं बोल रहा। झूठ बोल रहे हो? नहीं बोला। फोन दो। ये देखो पूनम दीदी आ चुकी हैं रक्षाबंधन के पावन त्योहार पे, तैयार होके विद XR। हेलो सर। हेलो सर। दो खाना तो कैसी? मैं तो रील ढूंढ रही हूँ बहन भाई के लिए। तो ढूंढ लेना ना, अभी 5 मिनट बैठे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ले। ये इसने दवाई लगाई है, ये हटने से ये फैल गए। ये कह रही फैल के फिर हटेंगे, तो कहीं ये फैल के आधे मुंह का काला ना हो जाए। ये मैंने फैलवाई है, नजर ना लग जाए। लग रहा है ये इतना सुंदर चेहरा, कहीं नजर ना लग जाए। ये तो भगवान ने काला टीका दे दिया तुझे। एक था ना पहले, तो एक था? नहीं नहीं दोनों, दो ही थे अभी फैल गए, तो तुझे दो लग रहे हैं। एक छोटे छोटे। नहीं, जब हमने स्टार्टिंग में बोला था इसे कि वो करवा देते हैं हमारी जान पहचान में, तो मुझे बदलना चाहते हो? तुम मेरी अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हो? हाँ फिजिकली मुझे चेंज कर दोगे क्या? तुम मैं नहीं पसंद हो तो बोल दो ना, सीधा बात है।
और अब उसी में दवाई लगा लगा मारने के लिए तुम्हें कुछ और आ नहीं आता क्या? स्विच अभी नहीं करना सारे के सारे एक दूसरे की बेइज्जती मारने में लगे रहते हैं। स्विच अभी करना, देख तेरा समुंदर में गिरवा होगा तू। स्विच अभी, अरे बीच में खूब सारी मेहंदी लगा के फिर उससे उंगली से रपिया होना। उंगली नहीं ना यूज करूंगा मैं, क्यों मेरी उंगली में लग जाएगी ना ये, थोड़ी सी लग मेहंदी में अपने आप ही। बस बस छोड़ो, हाथ खींच रहे हो? अरे तो मैं तो परली होने बैठी थी ना खुद ही हंसती रहेगी नहीं, इसी मांड दे, ये नहीं कह रहे मेहंदी लगा ले, मांड दे इस पे ले, इस तरह ही मांड दे, इस तरह ही मांड दे, दिखाओ देखो बना क्या रही है, ये तो देख लो बिच्छू बना रही है नीचे जाली वाले पहाड़ बना के ऊपर पे खुद ही हंसी जा रही खुद। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ, आज मन में सोच के आई होगी इसकी मेहंदी बर्बाद नहीं कर दी ना मैंने, नाम अनीता नहीं मेरे ईशा रक्षा बंधन बनाऊंगी इसका बढ़िया ही मेहंदी लगाने वाली, इसी मन में सोच के आई होगी। क्यों सोचूं मैं, तो के बना रही है ये बता दे, ये बना जो मेरे मन में जो मन में आ रही है वो बना रही है, इसको यूज कर लो कहीं। देखो तो देख, दिखाइए मम्मी का आर्ट तो दिखा दे, सब बताऊंगा कितनी सभ्यता से मिलते वो पत्थर पे वो लगे होते बड़प्पा से सभ्यता में लगाई है वही। कौन सी लिपि लिख दी मम्मी? लगाई है वही, बहुत बड़ी बात है के और केपी के बीच में 10 साल का अंतर है, तो दीदी ने 10 साल तक किसी को राखी नहीं बांधी कि जब तक मेरा भाई खुद का पैदा नहीं हो जाएगा तब तक मैं किसी को राखी नहीं बांधूंगी। राखी वाले दिन क्या करते थे? इसी में तो पापा मम्मी पे प्रेशर पड़ गया फुल प्रेशर में आ गए और हर साल, अरे यार क्या बोल रहे प्रेशर में रहे। तो आज दीदी निर्जला व्रत है भाई साहब, सुबह से कुछ निर्जला, अभी चाय का फुटेज आया है झूठ तो नहीं बोलो, मतलब इसको निर्जला कहते हैं, बीच में एक चाय, निर्जला कहते हैं बीच में एक चाय पी लो, एक चाय अलाउ है तो सुबह से कुछ नहीं खाया, अब रात के 9 बजे राखी बांधेंगी, तो रात के 9 बजे बांधने के बाद तब खाना खाएंगी, ये होता है प्यार। और ये भाई है एक बार भी पूछ नहीं रहा है दीदी क्या लाऊं क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, जब व्रत है तो क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, कुछ तो पैंपर तो करना चाहिए, सर दबा दो हाथ दबा दो, दबवाया तो अभी सर अभी तो सर दबवाया, इतनी शिद्दतों के बाद भाई मिला है उनको, तो मैंने भी तो 10 साल तक किसी से राखी नहीं बनवाई, क्या बोल रहा है, मैं 10 साल कहीं गया ही नहीं, मैं कहीं गया ही नहीं 10 साल में आया ही नहीं। पहला मुझे बताओ जम्मू, जब पहला रक्षाबंधन था हमारे गांव में पड़ोस में पंजाब, हमारे चाचा लगते हैं उनका बेटा मर गया था पैदा होते, आपने पहला नहीं बांधा फिर पंजाब पंजाब वाला, लेकिन मैंने घर जाके इसको अंदर बिठा के टीका करके राखी बांध के फिर खोल बेटा आया, 1 साल का बैठने तो लगा होगा, हां बैठने तो पहली इसकी राखी आई थी पड़ोस में किसी का बच्चा पैदा होते ही मर गया था, अच्छा बच्चा ही मर गया पप्पू बाबा के छोरा होगा टीका, छोरा होके मर गया था, अभी साथ वालों बगल में ही घर था, बिल्कुल बगल में ही घर था, तो भाई राखी नहीं बनेगी, ये तो नहीं हो सकता, इतने साल इंतजार किया अब इस बार तो ये नहीं हो सकता राखी नहीं बनेगी, फिर मैंने इसको अंदर बिठाया टीका लगाया राखी बांधी और फिर 1 घंटे बाद टीका पहुंच के राखी उतार के अपनी धर ली लगान तो अच्छा क्या हो गया सारी की मेहंदी के बुंदी लगान तो अच्छा इनो जो यो 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 कह रही है इतनी सारी का जितनी बुंदी मेहंदी मम्मी ने लगाई है ना मेरे कोई लगा दे तो मैं क्या कर दूं रैप्टा मार दूं उसके ले हम दे देंगे सुंदर अच्छा फिर सुंदर भी तो लगना चाहिए ये एक काम करेगा साड़ी में बेगन उन्हें करवा देती जो कोई भी खराब देखो मेरे शादी पे कोई भी रुपया नहीं गिरेगा मेहंदी के नाम पे सबकी माए मेहनत करेंगी सुबह से बैठे रात तक बैठे दिखा दे मेहंदी दिखा दे हड़प्पा सभ्यता की कौन सी लिपि है पढ़ के सुना ये हड़प्पा सभ्यता में पत्थरों पे जो लिपि बनती थी जाना बेटा मेरे से फोन कोई बता दियो आगे दिखा मेहंदी किसी रस्सी कॉन्फिडेंस देखो इतनी गंदी मेहंदी इतनी गंदी बनाने के बाद तो आदमी को भाग जाना चाहिए और ये कॉन्फिडेंस देखो है
कितना कॉन्फिडेंस अपने आप देखी कमेंट में बताऊंगी तने कौन ठीक है बताओ मैं कौन सॉरी